नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज म्यूज़िक एंड विजुअल आर्ट्स कॉलेज की 4th मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस लिस्ट के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें UG एडमिशन 2020 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया वेब पेज ओपन होगा। क्लिक हियर या हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज के संदर्भ में। इस लिंक पर जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही 4th मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज, BA ऑनर्स, BA ऑनर्स कट ऑफ, BA ऑनर्स पास कोर्स उर्दू, BA पास कोर्स संस्कृत, BA पास कोर्स कट ऑफ एंड BA पास कोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे BA ऑनर्स के संदर्भ में। डाउनलोड पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। BA पार्ट फर्स्ट ऑनर्स कोर्स लास्ट एडमिशन लिस्ट। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह जो लिस्ट है, यह अंतिम लिस्ट है। द फॉलोइंग स्टूडेंट्स ऑन प्री लिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर एडमिशन टू BA पार्ट फर्स्ट ऑनर्स कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-21 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाई देम लेटर ऑन एज रिक्वायर्ड। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट वेटेज कास्ट सर्टिफिकेट इफ नॉट सबमिटेड एरलर एंड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ देयर पेरेंट्स विथ इंश्योरेंस फॉर्म एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन एट ईमेल आईडी। या ईमेल आईडी दे रखी, इस ईमेल आईडी पर हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजने होंगे। एलिजिबल स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द एडमिशन फी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग थ्रू लिंक अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटेस्ट बाय 6 अक्टूबर 2020 11:59। यानी 6 अक्टूबर 2020 तक हमें जो फीस है वो जमा करानी होगी और फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। नो सीट्स आर अवेलेबल इन जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश सब्सिडरी सब्जेक्ट्स therefore the students are advised to communicate other subject in palace of subsidiary subject to college email id after that their admission fee will be show। तो यह स्पष्ट किया गया है कि ये अंतिम जो कट ऑफ लिस्ट है जारी की गई है। सबसे पहले बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स के संदर्भ में। इकोनॉमिक्स ऑनर्स जनरल की जो कट ऑफ रही है 84.80 रही है, OBC की 77.40, ST 69.60, इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स जर्नल में 71.20, OBC में 68.80, ST 64.60, जियोग्राफी ऑनर्स जर्नल में 82.80, EWS में 73.00, OBC 82.20, SBC 69.40, हिंदी लिटरेचर ऑनर्स जनरल की कट ऑफ है 65.80, OBC 64.20, SC की 59.80, ST 51.20, हिस्ट्री जर्नल 76.40, EWS 61.40, SBC 66.00, ST 74.80, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की जर्नल में 85.60, EWS 70.40, ST 74.60,
साइकोलॉजी ऑनर्स जर्नल 55.80, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स जर्नल की कट ऑफ 64.60, सोशोलॉजी ऑनर्स जर्नल 60.40, एससी 54.00। तो इस तरह से अंतिम जो कट ऑफ लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इन विद्यार्थियों को 6 अक्टूबर 2020 तक का समय दिया गया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और फीस जमा कराने के लिए। अब बात करेंगे हम बी ए ऑनर्स कट ऑफ के संदर्भ में, तो इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ्स हैं, टोटल स्टूडेंट इन फोर्थ लिस्ट 126 स्टूडेंट्स हैं जिनकी कट ऑफ दी गई है। तो यहाँ पर भी हम कट ऑफ के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आरबीएससी के 95 और सीबीएसई के 29 और अदर्स हैं 2। टोटल 126 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कट ऑफ मार्क्स है यहाँ निकाली गई है। तो ये अंतिम कट ऑफ मार्क्स हैं। इकोनॉमिक्स में जर्नल में 84.8 है, ओबीसी 77.4 और एसटी की 69.6। इंग्लिश की यहाँ दे रखी है जर्नल में 71.2, ओबीसी में 68.8 और एसटी की 64.6। जियोग्राफी जर्नल में 82.8, ईडब्ल्यूएस की 73, ओबीसी की 82.2 और एसबीसी की 69.4। हिंदी 65.8 जर्नल एंड ओबीसी 64.2 एंड एससी 59.8 और एसटी की 51.2। तो इस तरह से हम कट ऑफ्स को आसानी से देख सकते हैं। बीए पास कोर्स उर्दू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर फीस जमा कराने की जो तारीख दी गई है 6 अक्टूबर 2020 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। और यहाँ उर्दू के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उर्दू की लास्ट कट ऑफ है 6 अक्टूबर 2020। का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पर जो लास्ट कट ऑफ है 70.40 रखी गई है। बीए पास कोर्स संस्कृत डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो 6 अक्टूबर 2020 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। लास्ट कट ऑफ है 76.00। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। एसएफएस फर्स्ट लिस्ट बीए पास कोर्स डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो हम इस कट ऑफ देख सकते हैं, यह एसएफएस एडमिशन लिस्ट है फर्स्ट। आरबीएससी बोर्ड की बात करें तो जनरल में 87.40 है, ईडब्ल्यूएस की 77.20, ओबीसी की 86.00, एसबीसी 82.80, एससी 83.40 और एसटी 84.40। सीबीएसई की जनरल में 87.40, ईडब्ल्यूएस 79.20, ओबीसी 86.00, एसबीसी 85.40, एससी 83.80, एसटी 84.40।
तो यहाँ आरबीसी की टोटल कैंडिडेट से 323, सीबीसी की कैंडिडेट से 72 और अदर बोर्ड के हैं 7 और टोटल जो सीट्स हैं 420 की जो कट ऑफ्स हैं लिस्ट है जारी कर दी गई है। बीए पास कोर्स डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। छः अक्टूबर 2020 तक ये फीस जमा करा सकते हैं। तो यहाँ जर्नल की जो स्टूडेंट लिस्ट है दी गई है। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। 87.40 जनरल की कट ऑफ रही है ईडब्ल्यूएस में। सेवेंटी सेवन पॉइंट टू जीरो ओबीसी ओबीसी की कट ऑफ है 86.00, एसबीसी 82.80, एससी 84.60, एटी थ्री पॉइंट फोर जीरो एसटी की अगर हम बात करें एसटी की है 84.40। तो इस तरह से राजस्थान कॉलेज के द्वारा जो फोर्थ लिस्ट है और फर्स्ट एसएफएस जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब बात करेंगे हम कॉमर्स कॉलेज के संदर्भ में। तो कॉमर्स कॉलेज पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। बीकॉम पास कोर्स पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। 6 अक्टूबर 2020 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। प्रोविजनली एडमिटेड सेशन 2020-21 बीकॉम पास कोर्स पार्ट फर्स्ट कैटेगरी जर्नल। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी केएम बीकॉम एबीएसटी ऑनर्स कैटेगरी जर्नल 6 अक्टूबर 2020 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। तो यहाँ ए की जो लिस्ट है जारी की गई है, जर्नल की कैटेगरी है 88.60 जो परसेंटेज रही है।
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट डेट है फीस जमा कराने की 6 अक्टूबर 2020। जनरल कैटेगरी और टोटल परसेंटेज रही है 74.20, लास्ट कट ऑफ 2020। जनरल कैटेगरी 6 अक्टूबर 2020 तक फीस जमा करा सकते हैं, कट ऑफ है 77.60। बीबीए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कैटेगरी जनरल की जो कट ऑफ लिस्ट है वो दिखाई दे जाएगी हमें। तो यहाँ बीबीए जनरल की कट ऑफ है 82.00, ओबीसी की जो कट ऑफ्स रही है 74.60, एससी की यहाँ 52.80 और एमबीएस की 53.80, ईडब्ल्यूएस की 72.00। बीसीए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं, 6 अक्टूबर 2020 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं लास्ट जो कट ऑफ है, अंतिम कट ऑफ है ये, और इसके बाद शायद ही कोई लिस्ट आए। बीकॉम पास कोर्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उन जो विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है कि इन्हें ये डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कराने होंगे। और इसके लिए जो समय दिया गया है 3 अक्टूबर 2020 और दोपहर 2 बजे तक का जो समय है वो दिया गया है। और ऑनलाइन फीस पोर्टल ओपन विल 3 अक्टूबर 2020 बाय इवनिंग फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को जो फीस जमा कराने की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होगी। तो ये इवनिंग सेशन के जो विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ यहाँ देखी जा सकती है। इसी तरह से बीकॉम एबीएसटी ऑनर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईएफएम ऑनर्स की जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की जो लिस्ट है हम देख सकते हैं। इन सभी पीडीएफ फाइलों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही 4th जो लिस्ट है बीबीए वोकल म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट सितार। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूज़िक के संदर्भ में, क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओबीसी और एससी की जो कट ऑफ्स हैं दिखाई गई है, और 6 अक्टूबर 2020 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। सितार इंस्ट्रूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह से पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। तो यहाँ जर्नल और ओबीसी की जो कट ऑफ्स हैं उसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम विजुअल आर्ट्स के संदर्भ में। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह की जो लिंक दिखाई देगा, जहाँ पर हम पेंटिंग, स्कल्पचर एंड अप्लाइड आर्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम पेंटिंग के संदर्भ में, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। तो इस तरह से हम नाम देख सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं और
अक्टूबर 2020 लास्ट जो तिथि है दी गई है फी जमा कराने हेतु। स्क्रिप्चर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह अप्लाइड आर्ट्स डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह से पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। 6 अक्टूबर 2020 लास्ट जो तिथि है फीस जमा कराने की। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ लिस्ट के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा 2020 से 2021 एडमिशन सेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है और अब जो या तो ऑनलाइन क्लासें होंगी या ऑफलाइन क्लासों के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एनसीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए विशेष नोट्स जारी किए गए हैं, तो उनके संदर्भ में किस प्रकार हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा के संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEVTHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।